नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिना प्याज और लहसुन यानी कि जैन स्टाइल बीन्स और आलू की सूखी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम कुछ ही सामग्रियों से बना सकते हैं और साथ ही साथ बहुत ही कम टाइम में ये बन जाती है। अब और देर ना करते हुए चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और गर्म होने पर हम 1 टेबलस्पून रिफाइंड तेल डाल देंगे। तेल गरम होते ही हम 1/2 टीस्पून पंचफोरन डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्चों को थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे और क्रैकल होने पर हम कटे हुए आलू और फ्रेंच बीन्स को एक साथ डाल देंगे। इसके लिए हमने 2 मध्यम आलू और 400 ग्राम फ्रेंच बीन्स लिया है। आलू को मैंने पील करके डाला है, आप चाहें तो छिलके के साथ भी डाल सकते हैं। सब्जियों को हमें हाई हीट पे करीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। 1 मिनट के बाद ये सुनहरा होने पर हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के मिला लेंगे। फिर 1 मध्यम आकार के टमाटर को हम स्लाइस करके इसमें डाल के स्टर करेंगे। इसे कवर करके हमें मध्यम आंच पे टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। करीबन 2-3 मिनट के बाद टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। इस वक्त हम 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे कलर के लिए, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर और साथ ही साथ 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर भी डाल देंगे। और टेस्ट को एनहांस करने के लिए हम 1/2 टेबलस्पून बिना प्याज लहसुन वाला करी पाउडर डाल के स्टर करेंगे। फिर स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक के जगह आप नॉर्मल नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। सब्जियों को मसाले में अच्छे से मध्यम आंच पे कोट करें। फिर इसमें हमें 1/2 कप पानी को पोर्शंस में डाल देना है। पानी को उबाल पे लाएं और 1/2 टीस्पून बूरा चीनी डालें। बूरा की जगह आप नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर लें। सब्जियों को परफेक्टली कुक करने के लिए हम इसको ढक के करीबन 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं वेजीज अच्छे से कुक होके एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में मसाला आ चुका है। अब ये परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे आप गर्मा गर्म फुलके और पराठे के साथ सर्व करें। साथ ही साथ आप चाहें तो इसको दाल चावल के साथ भी परोस सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि पब्लिश की हुई सारी वीडियो अपडेट्स आप तुरंत पा सकें। धन्यवाद।